अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू उस्तादी ऑनलाइन। व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से हैं। व्यूअर्स, हम MOD प्रेपरेशन सीरीज़ के हवाले से आपके साथ डाटा शेयर कर रहे हैं और पूरी मेहनत के साथ आपके लिए ये वीडियोस ऐड कर रहे हैं ताकि आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकें और अपने इन एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकें। इससे पहले भी डिफरेंट वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड की जा चुकी हैं। आप उन सारी वीडियोस को आपकी आसानी के लिए एक जगह पे हमने कलेक्ट किया है और उस प्लेलिस्ट को नाम दिया है MOD प्रेपरेशन सीरीज़ का। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं और एक ही प्लेस पे देखना चाहते हैं MOD में आने वाली जॉब्स के हवाले से, अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो उस प्लेलिस्ट में आपके हर क्वेश्चन का जवाब जो है वो अवेलेबल है और हर पार्ट का प्रेपरेशन मटीरियल वहाँ पर अवेलेबल है। आप उसको वहाँ से देखते हुए अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हमारा पहला क्वेश्चन है, नेपोलियन सफर्ड फ्राम एलोरोफोबिया विच मीन्स, तो इसका मतलब है जी फियर ऑफ़ कैट्स। नेपोलियन जो है ये फियर ऑफ़ कैट्स के फोबिया में मुबतला था। हमारा अगला क्वेश्चन है, द कंट्री हुज नेशनल एंथम हैज़ ओनली म्यूज़िक नो वर्ड्स, तो बहरीन एक ऐसा कंट्री है जिसके नेशनल एंथम में सिर्फ म्यूज़िक है, कोई लफ्ज़ नहीं है। रिवर जॉर्डन फ्लोज इन आउट इन टू, तो डेड सी में रिवर जॉर्डन जो है ये एट द एंड जाके गिरता है। वट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ अ स्मॉल कंट्री इक्वाडोर, तो व्यू इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि लाइस ऑन इक्वेटर, ये कंट्री इक्वेटर के ऊपर लाई करता है। द कंट्री इन विच रिवर वांगचू फ्लोज इज, तो इसका राइट आंसर है जी भूटान। भूटान में रिवर वांगचू बहता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, द कंट्री नॉन इज़ द शुगर बाउल ऑफ़ द वर्ल्ड, तो व्यूअर्स क्यूबा एक ऐसा कंट्री है जिसको शुगर बाउल ऑफ़ द वर्ल्ड कहा जाता है। हु इन्वेंटेड जेट इंजन, व्यूअर्स सर फ्रैंक विटल ने जेट इंजन जो है उसको इन्वेंट किया था। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सी ब्रिज कनेक्टेड हांगकॉन्ग मकाओ एंड चाइना इज़, तो इसका व्यूअर्स राइट आंसर है जी जोहाई मकाओ ब्रिज जो है ये वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है जो कि हांगकॉन्ग मकाओ और चाइना को कनेक्ट करता है। When was barcode scanner invented? तो barcode scanner जो है 1970s में invent किया गया था। What invention caused many deaths while testing it? तो व्यूअर्स पैराशूट एक ऐसी इन्वेंशन है जिसको टेस्ट करते हुए बहुत ज़्यादा अमवात हुई थी। नाइट वॉच इज़ अ फेमस, तो बेसिकली ये एक पेंटिंग है। बायरो ब्रदर्स इन्वेंटेड द बॉल पॉइंट पेन बिलोंग टू हंगरी, बायरो ब्रदर्स का ताल्लुक हंगरी से था और उन्होंने बॉल पॉइंट पेन जो है वो इन्वेंट किया था। व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस्तादी ऑनलाइन को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए, नई इन्फॉर्मेशन आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ कीज़ इन एन ऑर्डनरी पियानो इज़, तो इसका राइट आंसर है जी 88 कीज़ होती हैं ऑर्डनरी पियानो में। बिस्मिल्ला खान इज़ रिलेटेड टू, तो इसका आंसर है जी शहनाई। बिस्मिल्ला खान का ताल्लुक शहनाई से था और ये शहनाई की वजह से शोहरत रखते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस डिवाइड टर्किश एंड ग्रीक साइप्रस, तो साइप्रस कम्युनिटीज, द आंसर इज़ ग्रीन लाइन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु फर्स्ट पायनियर द आइडिया ऑफ अ ब्लड बैंक, तो इसका राइट आंसर है जी चार्ल्स ड्रू ने ये आइडिया जो है दिया था ब्लड बैंक का। महान एयरलाइन बिलोंग्स टू विच कंट्री, तो इसका राइट आंसर है ईरान, ये एयरलाइन ईरान से बिलोंग करती है। वेयर दासमान पैलेस इज़ लोकेटेड, अ वेरी फेमस मोस्ट ब्रिलियंट क्वेश्चन, तो दासमान पैलेस जो है ये कुवैत में वाक़ा है। डियागो गार्सिया इज़ यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री बेस इज़ इन, तो इस इंडियन ओशन में ये बेस वाक़ा है, ये भी एक फेमस क्वेश्चन है। व्यूअर्स डिसीजन पॉइंट बुक इज़ रिटन बाय, तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है जॉर्ज W. बुश हु रिमेन्ड द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसकी ये बुक है। अगला क्वेश्चन है, नाइटिंगेल फ्लोरेंस बिलोंग्स टू फ्रांस वाजा, तो बेसिकली एक नर्स थी। हु वाज द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC, तो इसका राइट आंसर है जी ज़हीर अब्बास वाज द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ ICC, उसके बाद ये अहदा जो है ख़त्म हो गया था और इसको रिप्लेस कर दिया गया था चेयरमैन से।
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी हेडक्वार्टर्स इज लोकेटेड इन, तो इसका राइट आंसर है जी दुबई। आईसीसी के हेडक्वार्टर्स दुबई में वाक़ है। आईसीसी वाज फाउंडेड इन द ईयर, तो इसका राइट आंसर है जी 1909 में आईसीसी को फाउंड किया गया था। व्यूअर्स, ये आपके लिए कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चनिंग के तौर पे आपके लिए ये क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं कि आईसीसी के राउंड अबाउट जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आपके लिए सैंपल के तौर पर यहाँ प्रोवाइड किए गए हैं। इसके अलावा भी आप कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चनिंग जो है उसका आइडिया जहन में रखते हुए बाकी क्वेश्चन को भी सर्च आउट कर सकते हैं। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लैंड बॉर्डर इज़ बिटवीन, तो इसका राइट आंसर है जी अमेरिका और कैनेडा का जो बॉर्डर है द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बॉर्डर कहलाता है। इसको इंटरनेशनल बाउंड्री भी कहा जाता है। विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज नाउन एज स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, तो व्यूअर इसका राइट आंसर है जी मॉरिशियस। द मोस्ट प्रीशियस जेमस्टोन एमरल्ड आर फाउंड इन, तो व्यूअर्स ये जेमस्टोन जो है ये सवात में पाया जाता है। सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड इन, तो इसका राइट आंसर है जी कराकरम। कराकरम में सियाचिन ग्लेशियर सिचुएट करता है। अगला क्वेश्चन है द एक्सटिंक्ट वॉल्केनिक पीक ऑफ कोहे सुल्तान इज इन, तो इसका राइट आंसर है जी पाकिस्तान में ये वाक़ा है। द सीजन चेंजेस बिकॉज ऑफ द अर्थ इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, अ फेमस एंड रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन जो कि एवरीडे साइंस से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है द लार्ज ग्रुप ऑफ आइसलैंड इज नाउन एज आर्चिपेलागो, ये हम अपनी डिफरेंट वीडियोस में इसके बारे में आपको पहले भी बता चुके हैं। दीज आर ओनली टू डबल लैंड लॉक्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड, डबल लैंड लॉक्ड कंट्री मीन्स अ लैंड लॉक्ड कंट्री विच इज आल्सो सराउंडेड बाय अ लैंड लॉक्ड नेबरिंग कंट्रीज, तो नेम बोथ द कंट्रीज, तो व्यूज उज्बेकिस्तान एंड लिश्टेनस्टाइन दो ऐसे कंट्रीज हैं जो कि डबल लैंड लॉक्ड हैं। डबल लैंड लॉक का क्या मतलब होता है वो स्टेटमेंट में आपको बता दिया गया है कि एक ऐसा कंट्री जिसके जिसको कोई समुंदर ना लगता हो और उसके सराउंडिंग कंट्रीज जो हैं उनको भी कोई समुंदर टच ना करे, ऐसे कंट्री को डबल लैंड लॉक कंट्रीज कहा जाता है। और दुनिया में सिर्फ दो ऐसे कंट्रीज हैं जो कि डबल लैंड लॉकड हैं, वो उज्बेकिस्तान और लिश्टेनस्टाइन हैं। अर्थ लार्जेस्ट आइस वॉल्यूम इज़ प्रेजेंट इन, तो अंटार्कटिका में अर्थ लार्जेस्ट आइस वॉल्यूम जो है वो वाक़ है। नेदरलैंड्स लिटरली मीन्स, तो लोअर कंट्रीज इसका लिटरल मीनिंग है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द ऑरेंज रिवर फ्लोज इन, तो इसका राइट आंसर है साउथ अफ्रीका में ये रिवर जो है बहता है। सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाई लार्वा ऑफ सिल्क वार्म। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी 26 जनवरी इज़ इंडियाज़ रिपब्लिक डे, हमारे नेबरिंग कंट्री जो है उनके जो डिफरेंट इवेंट्स हैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं स्पेशली इंडिया के हवाले से हमें कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। विच कंट्री जॉइंट सार्क इन 2007, तो इसका राइट आंसर है जी अफगानिस्तान। द शॉर्टेस्ट डे इज़ 22nd of December इज़ द शॉर्टेस्ट डे। अगला क्वेश्चन है टर्की कनेक्ट्स द टू कॉन्टिनेंट्स, तो ये बेसिकली एशिया एंड यूरोप को कनेक्ट करता है। द साउथ पोल ऑफ द अर्थ इज़ लोकेटेड इन, तो अंटार्कटिका में साउथ पोल वाक़ है। द बर्थ प्लेस ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब वाज, तो इसका राइट आंसर है जी सरन। सरन जो बेसिकली यूरोपियन न्यूक्लियर रिसर्च कमीशन जो है उसको रिप्रेजेंट करता है, वहाँ पर वर्ल्ड वाइड वेब जो है उसको बनाया गया, उसकी बर्थ प्लेस कहलाती है। द ब्रिज इन इस्तांबुल टर्की दैट कनेक्ट्स एशिया एंड यूरोप इज़, तो ये बेसिकली बॉस्फोरस ब्रिज है जो कि एशिया को यूरोप से कनेक्ट करता है और ये टर्की में वाक़ है। अलेक्जेंड्रिया इज़ अ सिटी इन, तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है जी इजिप्ट, ये सिटी इजिप्ट में वाक़ है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज़ आल्सो कॉल्ड द सिटी ऑफ 1000 मिनरेट्स, तो कायरो को एक ऐसा शहर है जिसको 1000 मीनारों का शहर भी कहा जाता है। सुल्तान अहमद मॉस्क इन इस्तांबुल इज़ पॉपुलरली नोन एज ब्लू मॉस्क, अ फेमस क्वेश्चन ब्लू मॉस्क से रिलेटेड जो पूछा जाता है। मरीना ट्रेंच इज़ इन द पैसिफिक ओशन, the word democracy has been derived from the Dash language, तो ये बेसिकली ग्रीक लैंग्वेज से ये वर्ड ड्रा किया गया। हु इज़ द ऑथर ऑफ द फेमस बुक द स्पिरिट ऑफ इस्लाम, मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जी सैयद अमीर अली इज़ द ऑथर ऑफ द बुक स्पिरिट ऑफ इस्लाम। द इंडस वाटर ट्रीटी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ब्रोकर्ड बाय, तो वर्ल्ड बैंक ने इस ट्रीटी को करवाने में सारसी का किरदार अदा किया था और
वर्ल्ड बैंक को IBRD भी कहा जाता है जी, शॉर्ट में वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका जो कंप्लीट एब्रिविएशन है वो IBRD है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो इसका आंसर जो है यहाँ पर थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन हुई है, इसको हम B और C दोनों इसके करेक्ट आंसर हैं। IBRD बेसिकली कंप्लीट इसका नाम है वर्ल्ड बैंक का। ब्रेली एजुकेशन सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रेली फॉर ब्लाइंड्स के लिए, ये ब्रेली एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया था। हरप्पा सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, तो इसका राइट आंसर है जी रावी। रावी के किनारे पे हड़प्पा सिटी वाक्या है। द ओल्डेस्ट फ्लैग ऑफ द वर्ल्ड इज डेनमार्क, डेनमार्क का फ्लैग ओल्डेस्ट फ्लैग ऑफ द वर्ल्ड कंसिडर किया जाता है। द ओल्डेस्ट एंथम ऑफ द वर्ल्ड इज जैपनीज एंथम इज कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट एंथम ऑफ द वर्ल्ड। और इससे पहले कि हम फर्दर क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें, मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में अप्लाई किया हुआ है AD के लिए, सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए, ट्रैफिक एनालिस्ट सुपरवाइजर के लिए, ट्रैफिक एनालिस्ट के लिए, असिस्टेंट के लिए, सिक्योरिटी ASI के लिए, सुपरवाइजर या UDC LDC के लिए, तो आपके लिए हमने एक बुकलेट तैयार की है। और इस बुकलेट की फायदे का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हमने लास्ट ईयर इस बुकलेट को लॉन्च किया था और अभी तक इसके 3 एडिशन जो है वो हम निकाल चुके हैं, और इसके ऊपर रिस्पॉन्स रेट काफ़ी अच्छा रहा है। जिन लोगों ने इस बुकलेट को ऑर्डर किया और इससे एग्ज़ाम की तैयारी की, उन्होंने अपने एग्ज़ाम्स को ईजिली क्रैक कर लिया। इस बुकलेट की अहमियत ये भी है कि इस बुकलेट को MOD क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ने जो अपने एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए डाटा इस्तेमाल किया उसको कंपाइल करते हुए इस बुकलेट को प्रिपेयर किया गया है, ताकि आपको आसानी मिल सके अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने में। अगर आप सीरियसली अपने एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आप ये बुकलेट ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने का तरीका यह है कि आप हमें व्हाट्सअप कीजिए, व्हाट्सअप नंबर है 3419609058, या इसके अलावा आप में हमारे फेसबुक पेज पे हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज का जो आउटलुक है वो आपके सामने है, और URL भी इधर ही दिया गया है, जो कि www.facebook.com/ustadjionline1 है। आप यहाँ पर हमें मैसेज कर सकते हैं। आपकी आसानी के लिए फेसबुक पेज का लिंक और व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन का हिस्सा है, आप वहाँ से उठाते हुए उसको वहाँ से पिक करते हुए हमें मैसेज कर सकते हैं कि आपको ये बुकलेट चाहिए, और आपको ये बुकलेट प्रोवाइड कर दी जाएगी। व्यूअर्स, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है जी टोटल नंबर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स आर, तो इसका राइट आंसर है जी 15 मेंबर्स होते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स, जिनका इंतखाब 2 साल के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है द यूनाइटेड नेशन ऑफिशियल बर्थडे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो इसका राइट आंसर है अक्टूबर 24, 1945 में इसका इसको बनाया गया, तो इस तरह अक्टूबर 24 को इसकी ऑफिशियल बर्थडे सेलिब्रेट की जाती है। पाकिस्तान टेलीविजन स्टार्टेड इन द रेन ऑफ, तो अयूब खान के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान टेलीविजन जो है उसको स्टार्ट किया गया था। द हेड क्वार्टर ऑफ द अफ्रीकन यूनियन इज़ लोकेटेड इन एडिस अबाबा, एडिस अबाबा में जी ये अफ्रीकन यूनियन AU के हेड क्वार्टर वाक़ है। वाट वॉज द नेम ऑफ कंक्रीट बैरियर दैट फिजिकली एंड आइडियोलॉजिकली डिवाइडेड जर्मनी इन 1961, तो बर्लिन वॉल ने जर्मनी को 2 हिस्सों में ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी में डिवाइड कर दिया था। क्वेश्चन है डैश इज द फियर ऑफ बाथिंग, तो ब्लूटोफोबिया इज द फियर ऑफ बाथिंग, विच USA प्रेजिडेंट रिजाइंड वाइल इन ऑफिस, द आंसर इज रिचर्ड निक्सन। हमारा अगला क्वेश्चन है इज़ अ फेमस बेवरेज टुडे, ओरिजिनली इट वाज द नेम ऑफ अ मेडिसन, कोका कोला बेसिकली इज़ अ फेमस बेवरेज टुडे, ओरिजिनली इट वाज द नेम ऑफ अ मेडिसन। फादर ऑफ रिवर्स इज कॉल्ड इंडस, इंडस रिवर, माइटी इंडस इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ रिवर्स। हमारा अगला क्वेश्चन है जी एंजेला मर्केल इज अ जर्मन पॉलिटिशियन सर्विंग एज चांसलर ऑफ जर्मनी सिंस November 2005 से ये जर्मन चांसलर के तौर पे सर्व कर रही हैं। स्पेक्ट्रम इज मेड ऑफ 7 कलर्स, ब्लाइंड डॉल्फिन्स आर फाउंड इन विच रिवर ऑफ पाकिस्तान, तो ब्लाइंड डॉल्फिन्स इंडस रिवर में पाई जाती हैं। वेयर द पाकिस्तान फर्स्ट रेडियो स्टेशन वॉज सेटअप, तो कराची में पाकिस्तान का फर्स्ट रेडियो स्टेशन जो है वो सेटअप किया गया आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस। हु वॉज द लास्ट मुगल एम्परर टू सिट ऑन द पीकॉक थ्रोन, अ वेरी फेमस मोस्ट ब्रिलियंटली आस्क्ड क्वेश्चन, मोहम्मद शाह। क्वेश्चन है डिजिटल कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड बाय, तो जॉन विंसेंट एटनासॉफ ने ये डिजिटल कंप्यूटर इन्वेंट किया था। स्टीव जॉब वाज एन अमेरिकन, ही वाज द फाउंडर ऑफ एप्पल, हु गेव द टाइटल ऑफ महात्मा टू गांधी जी, तो इसका आंसर है जी रविंद्रनाथ टैगोर।
who is also a Nobel Prize winner and the first Asian to receive Nobel Prize. The chemical that is used in making artificial rain is silver iodide. जो है ये इस्तेमाल होता है केमिकल रेन को मेकिंग की मेकिंग में. व्हाट अप्रोक्सीमेट पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज अंडर इंडिया ऑक्यूपेशन. तो 75% जो जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा है वो इंडियन ऑक्यूपेशन में है. विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका. तो इसका आंसर है जी अल्जीरिया. अल्जीरिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका. द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ अ जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ इज 9 years. इसके हेडक्वार्टर्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है. तो ये हेडक्वार्टर्स हेग में वाक़ हैं जो कि नदरलैंड का एक सिटी है. हु वाज़ द फाउंडर ऑफ हमास इन 1987. तो शेख अहमद यासीन वाज़ द फाउंडर ऑफ हमास इन 1987. एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB वाज़ एस्टेब्लिश्ड इन 1966. विच कॉन्टिनेंट हैज़ नो डेजर्ट. तो यूरोप इज सच अ कॉन्टिनेंट विच हैज़ नो डेजर्ट. अगला क्वेश्चन है दुशंबे इज़ द कैपिटल ऑफ ताजिकिस्तान. ताजिकिस्तान इज़ द इसका राइट आंसर है जी. फ्री टाउन इज़ द कैपिटल ऑफ. तो इसका आंसर है सेरा लियोने का ये कैपिटल है फ्री टाउन. हरप्पा नियर साहिवाल वाज सेंटर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. आफ्टर पश्तून विच इज़ सेकेंड लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप ऑफ अफगानिस्तान. तो ताजिक इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप ऑफ अफगानिस्तान आफ्टर पश्तून. सनलाइट इज़ कंपोज्ड ऑफ 7 colors. मेरा क्वेश्चन है द मोस्ट अर्बनाइज प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज. तो सिंध इज द मोस्ट अर्बनाइज प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान. ताइपे इज द कैपिटल ऑफ ताइवान. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री आर कॉल्ड लैंड ऑफ फ्री पीपल. तो इसका राइट आंसर है जी थाईलैंड इज कॉल्ड एज लैंड ऑफ फ्री पीपल. 8th March इज ऑब्जर्व इंटरनेशनली एज वुमेंस डे. अ फेमस क्वेश्चन जी अगेन. K2 इज ऑल्सो नाउन एज. तो इसका आंसर है जी A and B ऑप्शन इसके करेक्ट हैं. गुडविन ऑस्टिन भी इसको कहा जाता है और चगोरी भी इसी का नाम है. व्हेन वाज द पैराशूट इन्वेंटेड. तो इसका राइट आंसर है जी 1783 में पैराशूट को इन्वेंट किया गया. हेडक्वार्टर ऑफ नासा इज लोकेटेड इन. तो इसका आंसर है वाशिंगटन में. नासा के हेडक्वार्टर्स वाक़ हैं. नासा जो कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है. ये स्पेस का इदारा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो कि स्पेस के साथ डील करता है. द पुअरेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड इज सब सहारन अफ्रीका. तापी गैस पाइपलाइन स्टैंड फॉर. तो इसका कंप्लीट एब्रिविएशन है जी तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान एंड इंडिया. हु इज़ द नेशनल पोइट ऑफ अफगानिस्तान. खुशहाल खान खटक इज द नेशनल पोइट ऑफ अफगानिस्तान. क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड ऑप्टिकल फाइबर. आंसर इज नरिंदर कापानी. विच ऑफ द फॉलोइंग आइसलैंड ग्रुप नेम्ड एज सैंडविच आइसलैंड. तो हवावे आइसलैंड जो है इनको सैंडविच आइसलैंड के नाम से भी जाना जाता है. व्यूअर्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आज की इस वीडियो का हिस्सा थे. हम जितनी भी वीडियोस आपके साथ शेयर कर रहे हैं उनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और मोस्ट ब्रिलियंट क्वेश्चन हैं जिनको तैयार करते हुए आप इस चीज़ की श्योरिटी रख सकते हैं कि आप उन्हें आने वाले एग्जाम्स में अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे और मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो हासिल कर पाएंगे. व्यूअर्स अगर क्वेश्चन को बताते हुए एक्सप्लेन करते हुए कोई मिसकम्युनिकेशन हुई हो तो उसका इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए. अगर आपको लगता है कि कोई नया टॉपिक जिसके बारे में अभी तक डाटा कम अपलोड किया गया है उसके बारे से भी डाटा अपलोड होना चाहिए तो इसका इजहार भी कमेंट सेक्शन में कीजिए. वो डाटा भी आपके लिए अपलोड किया जाएगा. अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मस्ट सब्सक्राइब दी उस्ताजी ऑनलाइन एंड प्रेस दी बेल आइकन टू गेट मोर अपडेट्स फ्रॉम आवर चैनल. आपकी आसानी के लिए व्हाट्सएप नंबर और हमारे फेसबुक पेज का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन का हिस्सा है. वहां से उसको पिक करते हुए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं. इसके साथ साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें. हम वहाँ पर भी सेम डाटा शेयर करते हैं जो कि हमारे चैनल पर शेयर किया जाता है. आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़.